सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत कक्कड़ के सीढ़ी गांव निवासी बीना देवी के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अति निर्धन परिवार से संबंधित बीना देवी के घर पर रविवार को प्रातः आग लग गई। आग लगने के क्या कारण रहे इस पर स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जैसे ही बीना देवी प्रातः रसोई घर में चाय इत्यादि बनाने के लिए गई और जैसे ही उन्होंने गैस चलाना शुरू किया तो एकाएक पूरे घर में आग भड़क गई। बीना देवी की माने तो गैस सिलेंडर लीक होने से घर के मकान में आग लगी है। गनीमत ये रही कि घर के पारिवारिक सदस्य पूरी तरह सही हैं, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आगजनी की इस घटना में बीना देवी का स्लेट पोस्ट मकान पूरी तरह जल गया है। जानकारी के अनुसार बीना देवी पत्नी स्वर्गीय रमेश चंद अपने बेटी और बेटे के साथ घर में रहती हैं। रविवार को प्रातः उनके घर में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही घर के भीतर रह रहे परिवार के सदस्य बाहर आए और शोर मचाया तो स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। इसी दौरान दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक आग पर पूरी तरह काबू पाया जा चुका था। अति निर्धन परिवार से संबंधित बीना देवी के घर पर आगजनी की घटना से इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। इसी बीच गांव के 2 दानवीर सज्जन विजय बहल निवासी टोनी देवी ने पीड़ित परिवार को 2,100 की फौरी राहत राशि अपनी ओर से प्रदान की। वहीं थले निवासी स्थानीय दुकानदार राजकुमार ने अपनी ओर से 2,000 की राहत राशि के साथ साथ परिवार को राशन, बर्तन और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करवाया है। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से निर्धन परिवार को इस आगजनी की घटना से पूरी तरह बेघर हो चुका है को राहत पहुंचाने की मांग की है। उधर हल्का पटवारी तहसीलदार को संबंधित मामले की सूचना भेजी जा चुकी है।